हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुदीप्तस ब्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond. हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। जो लोग घर पे बैठे बैठे बहुत ही बोर हो रहे हो, उन लोगों के लिए मैं कुछ मूवी रेकमेंड करूँगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं 5 बॉलीवुड मूवी और 5 हॉलीवुड मूवी रेकमेंड करूँगी। मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहती कि कौन सा मूवी बॉक्स ऑफिस पे चला है, कौन सा नहीं चला है। बस जो मूवी मुझे बहुत ही पसंद आई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले बॉलीवुड मूवी से मैं स्टार्ट करूँगी। जो नंबर 5 पे आती है वो है हाउसफुल 4। इस मूवी में अक्षय कुमार है, रितेश देशमुख है, बॉबी दल है, कृति सनन है और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस है। ये एक कॉमेडी फिल्म है। मुझे तो बहुत ही हंसी आई ये मूवी देख के। बिल्कुल टाइम पास वाला एक मूवी है। आप लोगों ने अगर ये मूवी नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए इस मूवी को। अब नंबर 4 पे जो मूवी है वो है दृश्यम। ये अजय देवगन का मूवी है, एक थ्रिलर मूवी है। इस मूवी पे अजय देवगन कैसे अपने फैमिली को जेल जाने से बचाता है, यही इस मूवी का सबसे थ्रिलर पार्ट है। आगे मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। आप अगर नहीं देखा है तो इस मूवी को ज़रूर देखिए। अब नंबर थ्री में है इंग्लिश विंग्लिश। एक सिंपल सा हाउसवाइफ है जिसको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती, इसके वजह से उसके खुद के घर पे ही उसको बहुत ही इंसल्ट होना पड़ती है। तो फिर वो अब्रॉड जाके खुद के दम पे कैसे अंग्रेज़ी सीख के खुद ही अंग्रेज़ी बोलती है, यही इस मूवी की स्टोरी है। तो इस मूवी में जो लीड रोल प्ले कर रही है वो श्रीदेवी जी है। ओके, नंबर 2 पे है बाला। एक यंग मैन जो प्रीमैच्योर बॉर्डिंग से सफ़र कर रहा है, जो अपने खुद की शादी को लेके इनसिक्योर हो जाता है, सोसाइटी में इंसल्ट होता है, उसका ही ये स्टोरी है। आप लोग अगर अभी भी नहीं देखे हो इस मूवी को तो ज़रूर देख लेना इस मूवी को। मैंने तो बहुत ही इन्जॉय किया है इस मूवी को। अब नंबर 1 पे आते हैं सुपर 30। इट्स अ ग्रेट मूवी। ये ऋतिक रोशन का मूवी है। ये एक्चुअली एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है। एक टीचर की चैलेंज की स्टोरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक सुपर 30 को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इस मूवी को देख चुका है। जब जब मैं इस मूवी को देखती हूँ मुझे एक अलग ही ताकत मिलती है इस मूवी से। अभी तक जो लोग नहीं देखा है तुरंत जाके अभी इस मूवी को देख लेना। अब आती हूँ मैं हॉलीवुड मूवी पर। हॉलीवुड मूवी में से जो नंबर 5 पे है वो है जथूरा। ये एक एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में दोनों भाई जो गेम खेलते खेलते एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, फिर उस दुनिया से अर्थ पे आने के लिए वो रास्ता ढूंढता है। तो अर्थ पे वो लोग कैसे आते हैं, ये इस मूवी का सबसे बड़ा एडवेंचर है मुझे लगता है। नंबर 4 पे है एक्वामैन। एक्वामैन डीसी कॉमिक का स्टोरी है। एक्वामैन जो है वो हाफ ह्यूमन और हाफ अटलांटिस है। जन्म से ही वो मरीन क्रीचर्स को कनेक्ट कर सकता है। अभी दुश्मनों से पूरी वर्ल्ड को ये कैसे बचाता है, यही इस मूवी का स्टोरी। मस्ट वॉच। नंबर 3 बैटलशिप। एक यंग बॉय की जर्नी है जिसका लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं था। एक दिन वो अचानक से अपने भाई के साथ नेवी ज्वाइन कर लेता है एंड एलियन के साथ टकरा जाता है, फिर उसका लाइफ का लक्ष्य बदल जाता है। आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस मूवी को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। नंबर 2 पे है जोकर।
इधर जोकर एक नेगेटिव रोल में दिखाई देता है, लेकिन वो नेगेटिव माइंडेड कैसे बना है यही इस मूवी का स्टोरी है। सो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने जोकर मूवी को अब तक देख चुके हो। जो जो लोग नहीं देखा है प्लीज़ गाइस जाके इस मूवी को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। सो इस मूवी को ज़रूर देखना। एंड गाइस नंबर वन पे है ट्वाइलाइट सागा। ये एक सीरीज मूवी है जो मैं करेंटली देख रही हूँ। ये वैम्पायर और वेयरवुल्फ की दुश्मनी की कहानी है, लेकिन ये दोनों ही एक ह्यूमन से प्यार कर बैठता है। सो आगे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये एक सीरीज मूवी है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मूवी पसंद आएगा। मुझे तो पर्सनली ये मूवी बहुत पसंद आ रही है। सो इस मूवी को आप लोग देखना, ज़रूर देखना। सो ये थे मेरे टॉप 10 रिकमेंडेड मूवीज़। सो गाइस प्लीज़ देखना ये सारी मूवी को। अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आए और इनमें से कौन कौन मूवी आप लोगों ने अब तक देख चुके हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहना, खुश रहना, एंड प्लीज गाइस स्टे होम। बाय बाय। Wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch my photos where you go. Every corner twice as bright, they'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm.